जनसेवा के लिए छोड़ी नौकरी और समाज सेवक बन गए एडवोकेट मुकेश मल्होत्रा। सुनिए चुनावी मुद्दों पर क्या क्या बोले पूर्व मंत्री। खबर कराहल से है, जहां सहरिया विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और कराहल सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा ने बात करते हुए बताया कि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा करना है और इसी वजह से उन्होंने समाज सेवा के चलते कई अच्छी नौकरियों से इस्तीफे दे दिए। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए प्रदेश भर में आदिवासी और गरीबों पर हो रहे अत्याचार पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने जातिगत संख्याबल होने के चलते कांग्रेस से विजयपुर विधायक के टिकट के लिए इच्छा जाहिर की है और जीत का पक्का दावा किया है। उन्होंने बताया है कि इस बार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इसी लहर की वजह से भाजपा लगातार नेताओं से खाली होती जा रही है। आज हमारे बीच वह शख्सियत मौजूद हैं जो प्रदेश स्तर पर अपनी नेतागिरी की छाप छोड़ चुकी हैं। योग्यता और शिक्षा की अगर इनकी बात की जाए तो इनकी योग्यता शिक्षा इतनी है कि अगर ये जनसेवा का रास्ता अगर सामाजिक और राजनीतिक होना चुनते तो आज प्रदेश आज बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते। समाज सेवा का रास्ता जिन्होंने चुना उसके बाद इन्होंने कई नौकरियों से भी इस्तीफा दिया। वर्तमान में शहरी विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में सिरपुरी पंचायत के सरपंच हैं। मुकेश मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्र समाचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दुखी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। और आज मैं जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर, राजनीति की बात आपसे करते हैं, विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, विजयपुर विधानसभा चुनावों को लेकर आप अपनी क्या राय रख रहे हैं? अभी जी तो इसमें नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाला है तो इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और भारी बहुमतों से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सीट आएंगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। सर, भारतीय जनता पार्टी को आप वोट ना देने की बात कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी तो आपके समाज के उत्थान के लिए कई कार्य कर रही है, जैसे टंटिया मामा की आपकी मूर्ति भवन में विस्थापित कराई है इंदौर में, और बिरसा मुंडा जी को भगवान का दर्जा दिया, आदिवासियों के लिए वो खड़ी है दिन रात, फिर क्यों आपकी ऐसी नाराजगी उससे? नहीं, ऐसा कोई उपलब्धि नहीं रही है बीजेपी सरकार की कि आदिवासियों के हित में काम किया है। कहीं पर लगा दी होगी एक टंटिया मामा जी की प्रतिमा, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में एक भी मूर्ति नहीं लगाई गई और ना ही आदिवासियों का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। आदिवासी दर दर ठोकर खा रहे हैं, पल्यान भी जा रहे हैं लोग, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। सर, 2017 में आपकी एक रैली देखी गई थी, एक जो सर पैदल यात्रा आपने भोपाल की थी, क्या मामला था सर वो? मैंने जो पदयात्रा रैली की थी तो उसकी वजह ये थी कि मौजूदा सरकार ने और गृह विभाग ने सीधी भर्ती का विज्ञापन निकाला था कि शहरी भाग्या के लिए सीधी भर्ती की जाएगी, पुलिस अध्यक्ष बनाए जाएंगे, लेकिन इसके बाद सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया, मना कर दिया कि आप लोगों को भी परीक्षा भट करनी पड़ेगी। तो इसके विरुद्ध में हजारों युवाओं के साथ हम लोगों ने सितंबर महीने में पदयात्रा की थी, अगस्त सितंबर माह में, और सरकार को झुका दिया, हमने घुटनों पर ला दिया और सरकार ने पूरी बात मानी थी। उसके तहत सरकार को 389 पुलिस आरक्षक और 144 पटवारी लगाए गए। सीधी भर्ती सर आपने कहा 2017 में 2018 में आपने करवाई थी, 2018 में सर एमएलए आपके माननीय सीताराम जी हुए थे यहाँ से, उन्होंने सीधी भर्ती क्यों नहीं कराई थी ऊपर जिले में? अब सीताराम जी का पता नहीं क्या कारण रहा, उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी नहीं रखा ना उन्होंने नियम कानून बनवाया था, अगर वो नियम कानून बनवा देते तो वो भर्ती यथावत प्रतिवर्ष होती, उसमें शहरी वगैरह भारिया विशेष जनजाति के लोग लगते, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठा नहीं पाई या ध्यान नहीं रहा हो या पता नहीं कोई कारण रहा हो। सर, एक और मामला है सर, 2020 में आपको जेल हुई थी कुछ दिनों के लिए, आप जेल में बंद थे, क्या मामला था? कराल लोग भारी दबंग, कुछ स्थानीय दबंग लोगों ने आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिए थे, तो हमारा संगठन जन जंगल जमीन के लिए वो गरीबों के मजदूर किसान के हक अधिकार के लिए लड़ता है, तो हम लोगों को आवेदन दिए थे कई लोगों ने कि हमारी जमीन को मुक्त कराया जाए, इसके लिए हम शासन प्रशासन से लड़े, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, SDM महोदय, तहसीलदार और मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय ने कोई सुनवाई नहीं की, तो हम लोगों ने आंदोलन किया। इसके बाद हम लोगों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, 505(2) की धारा लगाई गई थी, उसमें 45 दिन में जेल में रहा था। इसके मेरे समर्थन में कई
किसान और आदिवासी भाई लोगों ने संघर्ष किया और 10,000 की भीड़ लेके जेल को और कलेक्ट्रेट को घेरा था। इसके बाद हम लोग जेल से भी चुके थे, लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। 2013 में सर जब बत्तियों का दौर था प्रदेश में या देश में, तब सर एक बत्ती आपकी गाड़ी पे भी लगी रहती थी, कुछ ही समय के लिए सर वो बत्ती रही। आपको भाजपा सरकार ने मंत्री बनाया, तो सर क्यों आपका भाजपा से ऐसा मोह भंग हो गया और आप कांग्रेस पार्टी में आ गए? उस समय बीजेपी का प्रदेश मंत्री का दायित्व मेरे पास था, तो बीजेपी तो बिल्कुल लाली पाव देती है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो उससे एक दो महीने पहले अध्यक्ष बना देती है, कई लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा, केंद्र मंत्री का दर्जा दे देती है, तो कोई मतलब नहीं है। उस समय मेरे को बनाया था तो मेरे को उसमें समय मिला नहीं था, उसमें 2 महीने का समय मिला था। इसके बाद बोर्ड भंग कर दिया था कि आदिवासियों का काम करेगा, इसको ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाएगी। और 2013 से और आज तक इतने 8-10 साल पद खाली रखा, इनकी मानसिकता खराब है बीजेपी वालों की। तो अभी कुछ 6 महीने पहले तो सुनपाल जी को बना दिया, विकास कर नहीं पा रहे। क्या मानते हो सर इस बार भाजपा वो टिकट सीताराम जी को ही दे रही है या अपना टिकट चेंज कर रही है, आप क्या मानते हो? ये तो बीजेपी पार्टी का मामला है, वो किसको टिकट देंगी लेकिन जो कुछ सुनवाई में आ रहा है कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ लोगों की चर्चा क्षेत्र में, तो वो लोग तो मना कर रहे हैं कि सीताराम जी का टिकट कट रहा है, किसी और को दिया जा सकता है, ऐसा चल रहा है, लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में। चलो सर आपसे कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस सर 15 सालों से और लगभग काफ़ी समय से एक ही व्यक्ति को टिकट देती ही आ रही है। आप सर इतने बड़े समुदाय से नाता रखते हैं और आप कहते हैं कि आपकी बहुत लोग इज्जत करते हैं और समाज का प्रतिनिधित्व आपके हाथ में उन्होंने सौंप रखा है प्रदेश लेवल का, तो सर कांग्रेस को ऐसा क्या लगता है कि वो आपको अपना उम्मीदवार क्यों नहीं बनाती है? ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी लगातार एक ही व्यक्ति को टिकट देती आई है विजयपुर विधानसभा से, आदिवासी को अभी तक टिकट नहीं दिया है कांग्रेस पार्टी ने, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 बार आदिवासी को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। हम लोग क्या पार्टी से बाहर ही नहीं जा सकते, पार्टी विचार करेगी हमारे नाम पर तो हम लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि तो आदिवासियों का वोट बैंक लगभग 85,000 वोट है आदिवासियों। आप सर चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, क्या तैयारियाँ हैं सर आपकी इस बार? मेरी बात हुई है भोपाल में कुछ लोगों से, दिल्ली भी बात हुई है मेरी, तो मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, अभी सैकड़ों गाड़ियों के साथ मैं टिकट मांगने जाऊँगा, मेरे को समय मिलेगा जैसा ही, और पूरी तैयारी है मेरी और चुनाव दमदारी से लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट देती है तो जो भी भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होगा उसको हम लाखों वोटों से पराजित करेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। सर आप टिकट आप मांगने जा रहे हैं और मान लो सर आपको टिकट मिल जाता है और आप यहाँ से माननीय विधायक हो जाते हैं, जनता का आशीर्वाद आपको मिल जाता है, क्या प्रमुखता रहेगी सर आपकी कराल विकास में, क्या क्या आपके मुद्दे हैं कि कराल को विकास की राह पर लाएंगे? देखो ये तो बाद की स्थिति क्या बनेगी भविष्य में, ये तो कह नहीं सकते कि विधायक बने के नहीं बने या टिकट दिया कि नहीं दिया, लेकिन हम लोग क्षेत्र के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे चाहे विधायक बने या नहीं बने। तो सर्वप्रथम तो हम लोग ये करेंगे आंदोलन के कराल को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि पहले ही सरकार ने घोषणा करी लेकिन आज तक नहीं बनाई है, तो सर्वप्रथम ये रहेगा कि कराल को नगर पंचायत बनाएंगे और पूरे क्षेत्र के लिए विकास करेंगे, उद्योगों की बात करेंगे, फैक्ट्रियों की मांग करेंगे जिससे लोगों का विकास हो, कई मुद्दों पर काम करेंगे। 2020 में भी सर 2018 में भी सर आपने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उस समय सर आप इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाए इतनी वोट बैंक होने के बाद भी? उस समय पे क्या हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और हमसे मेरे कार्यकर्ताओं ने और सहयोगी ने हमारे जो साथ काम करते हैं और समाज के लोगों ने बोला कि आप लोग भी चुनाव लड़ो क्योंकि टिकट देने की पार्टी आपको बार बार सीताराम जी को टिकट दे देती है, तो इसके विरोध में हमने फार्म भर दिया था और दमदारी से मैदान में उतरे थे। लेकिन बाद में अगर कुछ लोगों ने समाज के लोगों ने बोला कि काफ़ी समय से बुजुर्ग क्या लड़ रहा है तुम थोड़ा सा ठहर बनाओ, तो हम लोग थोड़ा सा साइलेंट हो गए थे, चलो मैं जीत जाते हो तो वो जीत गए थे चुनाव से तरह से। चुनाव सर वो जीत गए और आप कह रहे हैं कि आपके पीछे हट जाने से वो चुनाव जीत गए, बिल्कुल कुछ ही वोटों का आंकड़ा था जिससे वो चुनाव जीते, कोई बड़ी जीत नहीं थी उस समय। तो
तो सर आपने उन्होंने चुनाव जीतने के बाद विधायक बनने के बाद समाज के लिए या करल क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कार्य किए? विकास के क्षेत्र में तो कोई खास काम किया नहीं उन्होंने जिसको हम बता रहे, क्योंकि तो जो राशि आती है विधायक पद की तो वो बड़े बड़े ठेकेदार और कुछ जो चालाक किस्म के लोग थे वो उनको गुमराह करके या जैसे भी बात करके वो पूरा पैसा पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया। करहाल में तो कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि कई आदिवासियों को कोई बिरसा मुंडा पार्क के लिए पैसा नहीं दिया, कोई सामुदायिक भवन के लिए भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो बाकी उनका नेचर जो स्वभाव है स्वभाव वो ठीक है, उनका ईमानदार आदमी अच्छे आदमी है, लेकिन जो विधायक के जो काम होते हैं वो काम किया नहीं उन्होंने। सर यहाँ से बीजेपी से तो सीताराम जी लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, कोई नया चेहरा अभी तक तो नहीं आया, और इस बार आया तो कह नहीं सकते। रामनिवास रावत जी भी लगातार चुनाव यहाँ से लड़ते हैं सर, इस बार आप कह रहे हैं कि आप दमदारी से पूरा टिकट मांग रहे हैं और वरिष्ठ नेतृत्व का भी सहयोग आपको मिल रहा है, तो सर अगर आपको यहाँ से टिकट मिलेगा तो फिर रामनिवास जी आप ही अपनी पृष्ठभूमि चला सकेंगे। देखो हम वरिष्ठ नेतृत्व से और पार्टी हाईकमान से पार्टी जिला इकाई या ब्लॉक इकाई के सहयोग से हम लोग टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर पार्टी टिकट देती है तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और सम्माननीय रामनिवास जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश लेवल के देश लेवल के नेता हैं, तो पार्टी उनको सबलगढ़ या पौरी विधानसभा में या वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और उनका हम भारी सहयोग करेंगे, तो अच्छी बात है। अगर हमको टिकट देती है वही सीट भी निकलेगी, तो माननीय रामनिवास भाई साहब जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से चुनाव जिताएंगे वो। सर सरकार कार्य कर रही है, मौजूदा सरकार तमाम सारी योजनाएं प्रदेश में आई हैं, लाडली बहना योजना आई है, किसान सम्मान निधि आई है, तमाम सारी चीज़ें हैं सर, क्या आपको योजनाओं में कुछ कमी लग रही है सर इनमें? तो बहुत कमी है, ये तो चुनावी जुमला है, अमित शाह जी बोलते हैं कि वो चुनावी जुमला था कि 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो एक भाषण में उन्होंने बोला भी था, वो तो चुनावी जुमला था। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक लाडली बहना बनाकर एक चुनावी जुमला वोट बैंक के लिए बटोरा है, तो इसमें जो शहरिया बहन है हमारी लाखों उनके साथ तो उन्होंने गद्दारी की है, धोखा की है, जो उनको कुपोषण के नाम पर 1,000 रुपये दिया जाता है, वो विशेष पिछड़ी PTG का पैसा है, वो दिल्ली से आता है पैसा केंद्र सरकार से, और PTG विशेष मद है उसका पैसा 1,000 रुपये दिया, लेकिन जो लाडली बहना योजना है इससे तो हमारी बहनों को वंचित रखा है, तो ये तो दोगुनी नीति है सरकार की, या तुम सबको बहन मानते तो इनको भी दो ना 1,000 रुपये। और सर बीजेपी सरकार है अभी आदिवासियों के विकास के लिए काफ़ी सारे कार्य कर रही है, जल जंगल जमीन का नारा भी लगाया जाता है आपके द्वारा, ऐसे कोई कार्य सर आप हमें गिना सकते हैं जल जंगल जमीन पर खड़ी उतरे? देखो अभी तक तो सरकार ने कोई ऐसा काम किया नहीं है, जबकि ये बीजेपी सरकार आदिवासियों का शोषण दमन कर रही है, इन्होंने अभी कई गाँव को विस्थापित किया है, लोगों ने आदिवासियों को विस्थापन कर चीताओं को बसाया है यहाँ पर, तो चीता भी वो प्रोजेक्ट वो भी सक्सेस नहीं हुआ, उसने अरबों रुपये को मतलब खुद कर दिया, उसकी जगह फैक्ट्री वगैरह दे देते तो ठीक रहता, और जो पट्टे आज तक नहीं दिए बीजेपी सरकार ने, 1 इंच जमीन नहीं दी आदिवासियों को, तत्कालीन सरकार थी दिग्विजय सिंह सरकार, कांग्रेस सरकार थी 2003 से 2000 इसमें, उस समय दिग्विजय सिंह जी ने गरीबों किसानों के लिए वो आदिवासियों को 2 लाख 5-5 बीघा के पट्टे दिए, वही जमीन है, तो उसी जमीन की सरकार तो छीनने का उल्टा काम है, कोई भी काम नहीं किया है, इससे परेशान आया महंगा जो कैसे दे दो एजुकेशन किसी भी क्षेत्र में चले जाओ मतलब आदिवासी लगातार पलायन कर रहे हैं गांव में कोई रोजगार नहीं देता, मजदूरी देख लो नरेगा में काम चलता है इसमें 200 रुपये मजदूरी दे रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो लोग 500-600 रुपये दिन के कमाते हैं, 200 रुपये कौन काम करेगा यहाँ पर, पलायन तो होना ही है। निश्चित कांग्रेस से कांग्रेस की बनने वाली है, ग्वालियर चंबल संभाग में सर 34 सीटें हैं, 34 सीटों में से पहले तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा कवर किया था और 26+ सीटें लेके आई थी, पर उसका श्रेय ज्योतिराज सिंधिया जी को जाता है, इस बार सर ज्योतिराज सिंधिया जी को पार्टी में लाई नहीं है, तो सर क्या इस बार कांग्रेस वाले चंबल संभाग में प्रदर्शन रख पाएगी? अच्छा बिल्कुल, कांग्रेस का जानदार और शानदार प्रदर्शन रहेगा, और 30 से ज़्यादा सीट कांग्रेस जीतेगी ग्वालियर चंबल अंचल में, आप देख रहे हैं कांग्रेस की आंधी चल रही है, अभी माननीय जो वीरेंद्र रघुवंशी जी कोलर से विधायक है उन्होंने भी अभी उससे बीजेपी से विधायक उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है, और वो भी यशोधरा राय सिंधिया को सीट से चुनाव हराएंगे, तो 30 से ज़्यादा सीट आ रही है, और पूरे प्रदेश में 160 से ज़्यादा ऊपर सीट आ रही है लगभग 200 के आसपास। कांग्रेस से सरकार बनने की बात प्रदेश में कह रहे हैं कांग्रेस ही बनने जा रही है, कांग्रेस के पास सर ऐसा कौन सा लीडर है जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करें?
कांग्रेस पार्टी बढ़िया पार्टी है और इसमें बहुत लीडर हैं, एक से बढ़कर एक, प्रदेश में भी और देश में। हमारे यहाँ प्रदेश की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो प्रदेश में माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हैं, जयवर्धन सिंह जी हैं, कांतिलाल भूरिया है और माननीय ओंकार सिंह मरकाम जी है, टिकट वितरण कमेटी में मध्य प्रदेश से उनको लिया गया है, और डॉक्टर गोविंद सिंह जी है, जीपी पटवारी है। गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस से, बहुत दिग्गज नेता है, कभी उन्होंने हार का सामना नहीं किया है। क्या लगता है इस बार बीजेपी उनको बहुत तरीके से घेरने वाली है लहर में और काफी चुनाव करनी है, पर गोविंद सिंह जी का रिकॉर्ड टूट जाएगा या रिकॉर्ड टाइगर से? देखो माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और उनका रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है, वो लाख वोटों से जीतेंगे क्योंकि वह हर गरीब के लिए खड़े हैं दिन रात, समस्या अग्रसर नेता है। उनको सिंधिया जी, शिवराज जी तो क्या, उनको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भी हजार तो भी चुनाव उनको नहीं हरा सकते, गोविंद सिंह जी लाखों वोटों से जीतने वाले। हमारी सरकार बनेगी तो जो फर्जीवाड़ा चल रहा है अभी प्रदेश में लगातार 15-20 वर्षों से, उसको बंद हो जाएगा। अभी जो पटवारी में भ्रष्टाचार चला है उसमें ऐसे लोगों को बता दिया, जो जिला और संभाग और पूरे जिले नहीं बता पा रही है, एक बहन हमारे उसको पटवारी बना दिया, और कई आदिवासियों के नाम पर पुलिस आरक्षक बन गए, दरोगा बन गए, अधिकारी बन गए, डिप्टी रेंजर बन गए, लेकिन सुना हुआ है CO भी बन गया, वो कोई धाकड़ धाजी काम कर रहे, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आएगी तो पूरी एक जाँच करके इन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन सलामों के पीछे भेजने का काम हम लोग करेंगे इस काम को, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और पूरे मुद्दों को जाँच करवाएंगे और कोर्ट में। सर यदि आपको टिकट मिलता है, आप चुनाव की तैयारी करते हैं, तो कौन कौन से संगठन आपके साथ कार्य करेंगे सर? क्योंकि चुनाव, विधानसभा का चुनाव इतना आसान नहीं होता कि एक व्यक्ति चुनाव जीत सके, कौन कौन से संगठन आपके साथ आएंगे? देखो हम सर्व समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ते हैं और हक अधिकार की बात करते हैं, तो अगर हमको पार्टी टिकट देती है और चुनाव लड़ेंगे तो हमारे साथ में गुर्जर महासभा, OBC संगठन, कुशवा महासभा, भीम आर्मी, साक कोली महासंगठन और अन्य सर्व समाज संगठन, सरपंच संगठन और लगभग जनपद सदस्य वगैरह सब लोग हमारा सहयोग करेंगे, और अन्य वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग भी जो सर्व जाति है हमारे जनरल कास्ट के, वो भाई भी मेरे अच्छे व्यवहार है लोगों से, तो वो मेरा सपोर्ट निश्चित करेंगे।